दस वर्ष हुए नहीं थे। क्यों? कि सरकार ने एक नया रंग लगा दिया, वोटों की राजनीति, वोट लेना चाहिए। कि इस प्रतियोगिता को जो जो मैं चुनाव के बाद खींचता हूँ जिससे हमें अधिक लाभ मिल सके। अभी बढ़ने का समय, 3 महीने बढ़ने का समय होता है, रजिस्ट्रेशन करो, टीमें बढ़ाओ, 1,000 बच्चों का 1-1 स्कूल में पीओ रजिस्ट्रेशन कर रहा, रात भर बैठ रहा और टीमें बना रहा, और टीम में नहीं आने वाला तो खेलेगा नहीं। और हर राजस्व ग्राम की प्रतियोगिता, 1 PO में 2 राजस्व ग्राम कंपटीशन कराना, क्या है, क्या मजाक बना दिया। मित्रों और भी चर्चा करते रहेंगे, परंतु ये एक सोचने वाला प्रश्न। अभी अखबार में आया था एक दिन कि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ेंगे, और अब इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए, बच्चे घूम रहे हैं कि वो एडमिशन लेना नहीं चाहते। और पहले से विवेकानंद स्कूल बने हुए थे ना, और उनकी सरकारों ने खोला ना, स्ट्रक्चर बनाया बहुत बड़ा, बहुत पैसा खर्च किया, इसने क्या किया, पुरानी बोतल में ही नई चीज कि सब इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दें। मैं संगठन से भी ये मांग करूंगा, इस प्रकार व्यवस्थाओं का विरोध करना चाहिए आपको। यह बहुत गलत व्यवस्था जो ये सरकार पैदा करने जा रही है इस सरकार को, क्योंकि इस सरकार को देखना ही होगा आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि चाहे सरकार किसी की नहीं होती, परंतु जो हित में है, जो बच्चों के हित में, शिक्षा विभाग के हित में, शिक्षकों के हित में और राष्ट्र के हित में, वह बात हमको करनी चाहिए। इसमें ये जो दो व्यवस्था है, इसमें अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया, जो विभागीय कैलेंडर को परिवर्तन करने का प्रयास किया, इस प्रकार की सरकार को हमें परिवर्तित करना है मित्रों। और ये यहीं से शुरुआत करनी है हमको, और उदयपुर संभाग इस बात का प्रण लेगा कि जो हमारी शिक्षा विभाग की व्यवस्था को परिवर्तित करते हैं उनको हम परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। अब मैं आगे आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय हीरालाल जी कटारा साहब, महासंघ जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़। मैं बोलने वाले से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर मंचासीन साथियों का नाम बोलते हुए, सिर्फ मंचासीन और करते हुए अपना उद्बोधन देंगे, तो आप अपनी बात को अधिक समय तक रख पाएंगे। आदरणीय हीरालाल जी भाई साहब, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले एक बार जय घोष करूंगा। आप सभी में साथ देंगे, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। संभागीय आयुक्त के माध्यम से हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, दोनों हाथ ऊंचे करके जोड़े, राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद। सभी को धन्यवाद। साथियों, अभी सभी मंचासीन अतिथि, हमारे शिक्षक संघ के समस्त अतिथिगण, कार्यकर्तागण, जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला कार्यकारिणी, उप शाखाओं से पधारे हुए समस्त पदाधिकारीगण, साथियों, आप सब और हम सब जानते हैं हमारी वेदना क्या है। कई सालों से मुझे आज भी याद है, हमने डीडी कार्यालय, जेडी कार्यालय के वहां हमने एक बार बहुत बड़ा धरना दिया था। हमने जॉइंट डायरेक्टर को जब डीडी हुआ करता था तब हमने उसको निकलने नहीं दिया था। वो समय था हमारी मांगों के लिए, शिक्षक संघ राष्ट्रीय मांगों के लिए लड़ता, अधिकारों की लड़ाई लड़ता। साथियों, हमारा संगठन कोई कमजोर नहीं है। आज स्थिति बिल्कुल बिल्कुल खराब हो चुकी है शिक्षा विभाग की, और शिक्षा विभाग को बदनाम करने की साजिश रची जा रही सरकार के द्वारा। ग्रामीण ओलंपिक, अभी भाई साहब ने बताया, ऐसी कई हमारे रिजल्ट्स प्रभावित हो रहे हैं। हमारे स्कूलों में TSP केने को, संभागीय आयुक्त कार्यालय, जनजाति क्षेत्रीय विभाग, हमारे क्षेत्र की रक्षा के लिए जनजाति क्षेत्र घोषित कर रखा है, यहाँ पे TSP क्षेत्र घोषित कर रखा है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, लेक्चरर नहीं है, सेकेंड ग्रेड टीचर नहीं है। एक माध्यमिक विद्यालय में जितने पद होने चाहिए उनमें से मात्र लेवल 2 लेवल 1 के अध्यापक हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी नीति इन लोगों की, शिक्षा विभाग को बदनाम करने की, हमारे को बदनाम करने की चाल है ये। साथियों, समझना होगा, हमें विरोध करना होगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ की कानगढ़ स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानगढ़, पंचायत समिति तलोट,
जहां लेवल टू का अध्यापक प्रिंसिपल का प्रभार संभाले हुए, बताओ आप लेवल टू का ना, लेवल टू के ऐसे कई अध्यापक होंगे जो प्रिंसिपल का आप भर्ती करना नहीं चाहते हो, आप बीपीसी करना नहीं चाहते हो, रिजल्ट की अपेक्षा करते हो, प्राइवेट की ओर प्राइवेटेशन करना चाहते हो, अध्यापकों को कहते पढ़ाओ, बच्चों को गांव में जाकर के नेता जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो कहते हैं अध्यापक तो पढ़ाते नहीं, प्राइवेट स्कूल में भेजो, 1 से 5 1 से 8 तक बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, 9वीं से 12वीं तक बच्चा वापस सरकारी स्कूल में आ रहा है, बताओ हम कैसे करेंगे, रिजल्ट कैसे रखेंगे। सारे लेक्चरों का ट्रांसफर कर दिया लेकिन सेकेंड ग्रेड की पोस्टें भरी नहीं डीपीसी के माध्यम से। कई सालों से हमारे उदयपुर डिवीजन की डीपीसी बिल्कुल पड़ी है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं, कोई धनी धोनी नहीं। ये साथियों सोची समझी साजिश है, इसको आप यूं नहीं समझे कि ये बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, संभागीय आयुक्त तो बहुत आईपीएस सीनियर आईएएस बैठा है ना। हम मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो आप जनजाति क्षेत्र की रक्षा के लिए बने हुए, मेरी आवाज सुने और यहाँ पर सबसे पहले कर्मचारियों की डीपीसी करें और डीपीसी करके क्रमोन्नत करके उनको आगे सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड करके वो पोस्टें भरें और फिर अपेक्षा करें हमारे से रिजल्ट की। आप हमारे को सूली पे चढ़ा दोगे हम रिजल्ट नहीं दें तो भी हमें मंजूर है, पर पहले हमारी पोस्टें भरो, हम काम करना चाहते हैं। एक बंदा एक गाड़ी पूरी भरी हुई, एक बेल कैसे चलाएगा उस गाड़ी को, बताओ कोई चला सकता है क्या, गाड़ी को हाँक सकता है क्या उस वजन को, लेकिन दो बेल होंगे तो निश्चित ही उस वजन को कहां तक ले जा सकता है वो, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हमारा शिक्षक चिंता नहीं करता, हमारे संगठन का कार्यकर्ता मात्र ऐसे पेमेंट के लिए नहीं लड़ता, हमें समाज का जो भविष्य वो भी दिख रहा है। आप लोग छोटी छोटी बात होंगे, आपके राजनीति के लिए ग्रामीण ओलंपिक कर दिया है आप, हम रात दिन हमारे शारीरिक शिक्षक पीओ फलाना ढेकड़ा जो भी सारे कर्मचारी लगे हुए उस व्यवस्था में, क्या हमारा ये काम है? हमारा ये काम नहीं है साथियों, हमारा काम है मात्र शिक्षण कार्य करवाना, उन बच्चों का भविष्य बनाना, हमारे देश की उसको बचाना है पढ़ाना है, लेकिन हमारे कामों का बिल्कुल ऐसा कर दिया आप लोगों ने, ये साजिश है साथियों। ये सारे काम नॉन टीएसपी आप विज्ञप्ति दे रहे हो, टीएसपी में पोस्टें नहीं है, लेवल 1 में पोस्टें नहीं है, 10,000 अभी मैंने पेपर में पढ़ा था 10,000 विद्यालय तोड़ने की कगार पे है, तोड़ने की कगार पे, ये साजिश है साथियों, सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। ऐसी सरकार को हम नहीं बख्शेंगे, सरकार सुन ले मेरी आवाज, यदि आपने हमारे साथ गलत किया हम आपके साथ पूरा गलत करेंगे, पक्का पक्का गलत करेंगे। तो साथियों हमें जागने की जरूरत है, हमें संगठन के मार्फत से एक छोटी छोटी कार्यकारिणी, एकमात्र राजस्थान शिक्षक संघ ऐसा संगठन है जिसकी एक उप शाखा से लेकर के छोटे छोटे ग्राम पंचायत स्तर पे हमारा कार्यकर्ता उसको जगाना होगा। हमारे रिसिंग जी छोबीसा साहब भाई साहब ने आह्वान का किया, हम लोग सब यहाँ पधारे, आप लोग भी पधारे, हम चाहते हैं कि हमारी जो ये तख्ती लटकी हुई है सारी मांगे पूरी हो, हम मांगों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे समाज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे पूरे जन समुदाय को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ की पब्लिक बहुत सारे बात करते हैं, अरे ये मास्टर तो तनख्वाह के लिए लड़ते हैं, अरे इकट्ठे हो गए तनख्वाह, अरे तनख्वाह के लिए हम जगाएंगे, हमारे आंखों में तख्ती होगी कि हम देखो नॉन टीएसपी में पोस्टें नहीं है, टीएसपी में आप करना चाहते हो, कई दिनों से नॉन टीएसपी वाले बेचारे मांग कर रहे हैं, रोड पे आ गए, कमिश्नर कार्यालय आए, जयपुर गए, चक्कर काट रहे हैं, उस प्रदेशाध्यक्ष से मेरी बातचीत हुई गिरिराज सिंह बरवड़ा करके हैं, बेचारा रात दिन दौड़ रहा है वो, कोई सुनवाई नहीं, फाइल वहां पड़ी फालतू अटका रहे, अरे इन लोगों को खाली करोगे तो यहाँ भर्ती तो होगी, बेचारे जाना चाहते हैं वो, है ना, आगे से मांग कर रहे हैं, आपने कई सालों से ट्रांसफर नहीं किए, कैसे काम चलेगा बताओ। तो ये इन लोगों की सोची समझी चाल है साथियों, समझना पड़ेगा, हमें विरोध करना पड़ेगा और विरोध करके आज हम सभी जाएंगे संभागीय आयुक्त महोदय को निवेदन करेंगे कि हमारी आवाज पहुंचाएं, ये हम सब प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए, नहीं तो उदयपुर को चौक कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं आने वाले समय में, और जयपुर की गलियों में हमने कई बार जयपुर को चौक किया है, जाम किया है, ऐसे हमारे शिक्षकों की शक्ति है हमारे पास, हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी यहाँ उदयपुर पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय संगठन।